तो गीता का ज्ञान, गीता जरूर पढ़ें। अगर गीता को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी आपको छू भी नहीं सकती, आलस्य आपसे कोसों दूर रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि गीता पढ़ने से आलस्य कैसे दूर होगा। भाइयों, बहनों, माताओं, भगवान जो है इस धरती पर बार बार अवतार तो नहीं ले सकते, लेकिन गीता को हम मनुष्यों के कल्याण के लिए धरती लोक पर छोड़ के गए हैं। अगर संपूर्ण गीता का ज्ञान होगा तो मनुष्य का जीवन सरल हो जाएगा। इंसान क्या करता है, सोचता है कि आज काम नहीं करना। कैसे? कि काम ना करने के बहाने ढूंढना, यह आलस्य दूर करने का। आलस्य जीवन भरा रहेगा तो जब बुढ़ापा आएगा तब तंदुरुस्ती कहां से आएगी। अगर अभी से आलस्य दूर कर देंगे तो बुढ़ापे में ऐश करेंगे। ये संपूर्ण ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं युद्ध प्रारंभ से पहले कि हे मधुसूदन, मैं अगर युद्ध जीत गया तो भी हार जाता हूं और हार के भी मेरी हार है, हार के भी हार है और जीत के भी हार है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिना अस्त्र उठाए ये कैसे निश्चित कर सकते हो कि आपने कार्य किया ही नहीं और उसमें हार गए। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है जो आगे चलकर उसका भविष्य अंधकार में ले जाती है। आज मनुष्य उसी प्रकार से कार्य करते हैं, युद्ध लड़ते नहीं हैं, आज युद्ध का जमाना नहीं है, आज काम का टाइम है। थोड़े दिन दुकान खोली या नौकरी की, कुछ दिन पश्चात कहने लगे कि मेरे बॉस से मेरी बनती नहीं है, ग्राहक आते नहीं है, इसलिए मैंने जो है गुरुजी अपनी शॉप या अपनी जॉब छोड़ दी। कम से कम 3 साल दृढ़ निश्चय से कार्य कीजिए, कायनात की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप सफल ना हो। अगर मन में सच्ची भावना होगी तो पत्थर भी आपको रास्ता दे देगा। अगर मन में सच्ची भावना और लगन नहीं होगी तो आपको पानी भी रास्ता नहीं देगा। जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, हमें जीवन में ना काम करने के अनेकों बहाने आते हैं। किस प्रकार से? कि मेरी दादी के पोते के पोती के घर बच्चा हुआ है तो आज मैं काम नहीं करूं। हम रोज ना काम करने के बहाने ढूंढते हैं। कभी हम लोग सच्चे मन से अगर काम करने के बहाने ढूंढने लगे तो हमारा घर पूरा संसार कहां से कहां पहुंच जाएगा। और आज कोरोना काल में हमें अपने आलस्य को त्यागना है और देश की प्रगति को आगे बढ़ाना है। आलस्य के कीजिए अंत,
तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा। तो जब भी आपके दिल में ख्याल आए कि आज काम नहीं करना, तो एक पल सोचना कि आज अगर एक पल काम कर लेंगे, कल का क्या भरोसा। आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन कोरोना आएगा, सोचा था नहीं, फिर भी कोरोना आया। अब दृढ़ निश्चय से कार्य कीजिए, कार्य आपके सफल होंगे, और महादेव का निरंतर नाम लीजिए। बोलिए ओम नमः शिवाय।